subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. आईलिव बैंक्वेट्स और हार्टफुलनेस ने एनएमएमसी के साथ मिलकर स्त्री ज्योति अवार्ड्स कार्यक्रम का आईलिव बैंक्वेट्स में किया भव्य आयोजन। इस अवसर पर मुख्य रूप से महिला फ्रंट लाइन स्वच्छता कार्यकर्ताओं को उनके निस्वार्थ कार्य और समाज के प्रति सेवा को देखते हुए स्त्री ज्योति अवार्ड से 30 महिलाओं को सम्मानित किया गया। आईलिव बैंक्वेट्स के प्रबंधक निदेशक प्रतीश अंबेडकर ने कहा, हमारा सौभाग्य है कि हम फ्रंटलाइन स्वच्छता विभाग की महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। स्वच्छता हा जो प्रोग्राम है आपला स्त्री ज्योति पुरस्कार, हा पुरस्कार आम्ही एनएमएमसी चे जे स्वच्छता कर्मचारी आहे ज्यांना आपण स्वच्छता दूत म्हणतो त्यांच्यासाठी हा पुरस्कार आहे। मग त्याच्यामध्ये ज्या स्त्रिया आहेत ज्या दिवस रात्र काम करून आपली संपूर्ण नवी मुंबई स्वच्छ ठेवतात, तर त्यांना एक सत्कार आणि सन्मान एका चांगल्या दर्जाचा मिळावा या दृष्टीने या हेतूने हा केलेला कार्यक्रम आहे। किती महिलांना इथे सन्मानित केलं? इथे आम्ही जवळजवळ 30 महिलांना सन्मानित केलेलं आहे एनएमएमसीच्या प्रत्येक वॉर्डमधून। आम्ही 4 महिलांना, ज्यांनी चांगलं कामगिरी केलेली आहे त्यांना आम्ही सन्मानित केलेलं आहे। हे जवळजवळ आपल्या दिघा वॉर्डमधूनच 2 महिला आहेत, बाकी अदरवाईज सगळ्या वॉर्डमधून 4-4 महिला आहेत। म्हणजे जवळ 7-8 वॉर्डमधून च्या सगळ्या महिलांना आम्ही सन्मानित, नवी मुंबईच्या सगळ्या वॉर्डमधून आम्ही महिला सिलेक्ट केलेल्या आहेत। हा आता आमचा दुसरा वर्ष आहे। पहिल्या वर्षामध्ये आम्ही कोविड काळ संपत आला होता त्यावेळेला हा कार्यक्रम केला होता, सेम वे आता आम्ही सेकंड वर्षी केलेला आहे। आता या आमच्या या प्रोग्राममध्ये एनएमएमसी तर्फे सोमनाथ पवार साहेब होते, श्रीराम पवार साहेब होते, सोमनाथ साहेब होते जे DMC आहेत, तसेच संचिती मॅडम ह्या उपस्थित होत्या, तसेच आपले लखानी ग्रुपचे विजय लखानी उपस्थित होते आणि पॅराडाईज ग्रुपचे मधुमतीच्या उपस्थित। माझी भूमिका मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सिंपल आहे की आपले जे स्वच्छता कर्मचारी ज्यांना आपण एक नॉर्मल रेग्युलर शब्दांमध्ये कचरेवाले म्हणतो, ते कचरेवाले नाही आहेत तर ते स्वच्छता कर्मचारी आहेत, म्हणजे ते स्वच्छता करणारे आहेत, तर त्यांना एक सन्मान मिळावा या दृष्टीने केलेला कार्यक्रम आहे, त्याच्यामागे काहीही हेतू नाही आहे। निदेशक पिल्ले शिक्षा समूह और निदेशक PR हार्टफुलनेस निविता श्रेयांश ने जानकारी देते हुए कहा कि ये कार्यक्रम का दूसरा साल है। स्त्री ज्योति अवार्ड देकर बहुत खुशी मिल रही है और उनका सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा मेरा और मतलब हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट
फिर आई लिव बैंक्विट प्रतीश अम्बेकर जी और मैंने हमने साथ में इस कार्यक्रम का नियोजन किया हुआ है। ये हमारा दूसरा साल है इस कार्यक्रम का, जहाँ पर हम जो महिला है, सफाई कर्मचारी जो महिला है, उनको हम लोग सफाई दूत कहते हैं, सफाई मित्र सहेली कहते हैं, उनका यहाँ पर हम सम्मान किया हुआ है। ऐसे नवी मुंबई में 30 महिलाओं को हम नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से, जिन्हें चुना जाता है, उन्हें यहाँ पर अवार्ड उनको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बहुत सुंदर सा अवार्ड सेरेमनी होता है, जहाँ पे हम उनको ट्रॉफी, शॉल, श्रीफल, सर्टिफिकेट और कुछ कैश प्राइज हम उन्हें गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं हम सब लोगों के लिए बहुत ही अनोखा काम कर रहे हैं। हम सब लोग नवी मुंबई जैसे क्लीन सिटी में आराम से रह पा रहे, कंफर्टेबली रह पा रहे, ये सिर्फ उन्हीं के वजह से। और ये ऐसा समाज है जो बहुत ही इग्नोर किया गया है, ऐसे समाज को हमें और आगे बढ़ाना है। इनकी अहमियत, इनका इम्पोर्टेंस समाज में कितना है, इनकी ज़रूरत हम सब लोग के लिए कितनी है, लोगों को समझने की बहुत ही ज़रूरत है। तो इस कार्यक्रम के थ्रू हम उन्हें जो मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट, ऑनर, लव जो सोसाइटी में मिसिंग है आज की तारीख में, तो इस कार्यक्रम के थ्रू हम ये कोशिश करते हैं कि उन्हें जो प्यार, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए इस अवार्ड सेरेमनी के थ्रू, हमारे साइड से एक छोटा सा बैक टू द सोसाइटी, मतलब समाज के लिए वापस हम फिर से क्या कर सकते हैं। तो इस सारे छोटे छोटे योजनाओं से हम बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और हमारा एक अच्छा क्या बोलते हैं सिटीज़न बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई और हमारा सेल्फिश हेतु नहीं है कि हमें कुछ मिलना है या हम किसी के लिए कर रहे हैं, ये जस्ट उनकी खुशी के लिए। जब वो खुश होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। सबके आँखों में आंसू था और उनके आंसू देख के हमारा मन भर आता है कि हम बस कुछ इन लोगों के लिए कुछ कर पाए, यही हमें हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। एंड हम ये काम करते रहेंगे एंड देखेंगे कि ये समाज को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले और एक्नॉलेजमेंट मिले सारे लोगों से। मैं निवेदिता जी और प्रतीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जो पूरे इस शहर को स्वच्छ रखते हैं, उनका अभिनंदन करना और उनको एनकरेज करना, मोटिवेट करना। आज ये दूसरा है और हम पहले में भी एसोसिएटेड थे रौनक एडवर्टाइजिंग, और दूसरे में भी एसोसिएटेड है, आगे भी एसोसिएटेड रहेंगे। ऐसे काम जिससे एक्चुअली इनका मोटिवेशन बढ़ता रहे, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया है। ये पूरा साल काम करते हैं तो इनको ये सब चीज़ों का एनकरेजमेंट मिलते ही रहना चाहिए। तो ये बहुत छोटी सी पहल है, लेकिन आई एम श्योर कि आने वाले सालों में ये बड़ा होते जाएगा। और अभी मुझे लगता है कि कुछ 30 लोग को या 35 लोगों को अवार्ड दिया जाता है, जो कि आगे संख्या हजारों में कर्मचारी हैं तो संख्या को बढ़ाया जा सकता है। मी सोनाली गायकवाड़, स्वच्छता कर्मचारी करून आहे कामाला। तर आज जे केला फंक्शन त्याच्यामध्ये खूप चांगलं वाटलं, कारण की कुठेतरी आम्हाला पण मान सन्मान दिला जातो, या बाबतीत खूप चांगलं वाटलं की ते आमच्यासाठी कोणीतरी असं एकदम प्रोग्राम ऑर्गनाइज केला, त्याच्या बाबतीत खूप छान वाटलं। थँक्यू। बीड जिल्हा सुमित रेणुसे, वसीम काजी, पंकज बिनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।